सामाजिक समरसता सहभोज यो कंबल वितरण। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जिले में सामाजिक समरसता सहज यो कंबल वितरण कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक पडरी कृपाल जिला गोंडा में रखा गया। कार्यक्रम का आयोजन हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष शारदा कांत पांडे जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शारदा कांत पांडे जी ने बताया कि स्वच्छता के प्रति हम सभी नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं और समरसता सहभोजता के माध्यम से अपनी ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास। साथ साथ कंबल भी वितरण का कार्य किया जाता है। देखिए कोतवाली नगर से कृष्णा कन्हैया शर्मा की यह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे गा रहे हैं। अरविंद नारायण जी, शैलेंद्र विक्रम जी, धनंजय मणि जी, सम्मानित मंच सबको एक बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत तपस्या की होगी। बहुत आसान काम नहीं है यहाँ तक पहुँचना। कहीं ना कहीं हम सब रूप में हमारे कटरा कुटी धाम के महंत स्वामी चिन्मयानंद जी हैं और हमारे जिले के पदाधिकारीगण। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग स्वच्छता के प्रति क्षेत्र के सभी संभ्रांत सभी नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं और समरसता सहभोज के माध्यम से आपस में जो छुआछूत अशिष्टता के नाम पर बटे हैं, ऊंच नीच की भेदभाव को मिटाने का एक संदेश देते हैं। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कंबल भी वितरित करते हैं। गरीबों के लिए और कुछ सेवाएं आपने यहाँ प्रदान की हैं? सरकार के द्वारा चल रही सारी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत हमारे कार्यकर्ता बंधु लगे हैं। जहाँ पे नहीं पहुँच रहा वहाँ पे जा करके उनका फार्म भरा के सारी योजनाओं का लाभ दिलाने में निष्ठापूर्वक अपना सहयोग प्रदान करते हैं हमारे सारे कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी के। युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ, युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है और इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। करने वाले व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम को पूरा किया गया है, महिला का नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है, मैं ब्लॉक का महामंत्री हूँ और हिंदू युवा। क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे? स्वच्छता जागरूकता समरसता सहभोज एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जी थे और हमारे जिला अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी के साथ ये सब इन्हीं लोगों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। लगभग कितने की जनसंख्या यहाँ पर आई हुई? यहाँ कम से कम 550 लोग हैं, जिसमें 350 लोगों को कंबल मिलना है। इन लोगों का नाम इसमें चयनित हुआ था, उनको कंबल मिलेगा। मतलब इसकी पहले सूची बन चुकी थी? पहले से सूची बनी हुई थी और उन्हीं को कंबल दिया जा रहा है। सहभोज कार्यक्रम मतलब क्या? ये सहभोज कार्यक्रम इसलिए किया जाता है, जैसे समाज के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव जो है उसे समाप्त करने का संकल्प हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने लिया था। उन्हीं के पदचिन्हों पर हम चलते हुए और इस कार्य को जन जन तक पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं कि इससे जो सामाजिक दूरियाँ हैं, जो लोग कहते हैं हम निम्न कास्ट के हैं और बड़े और उसके बीच में जो भी दूरियां हैं उनको हम समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए यह कार्यक्रम हम रखते हैं। आयोजककर्ता हमारे जिला अध्यक्ष थे और उसमें विशेष सहयोग हमारे दिवाकर तिवारी जी का था, यहाँ के जो निवासी हैं। तो देखा आपने ये सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम गरीबों के लिए कंबल वितरण। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज खैरा बस्ती में हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक में एक कंबल वितरण कार्यक्रम और सामाजिक समरसता सहभोज का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय प्रतीक भूषण सिंह सदर विधायक जी, विशिष्ट अतिथि स्वामी चिंपानंद महाराज जी, दिनेश मिश्रा जी थे और मुकेश कुमार गोस्वामी बाबा जी और मनोज दुबे और देव सचिन पांडे जी, सुधीर तिवारी जी, राजेश शर्मा जी, नवीन मिश्रा जी मौजूद थे। काफ़ी विशिष्ट ढंग से कार्यक्रम को किया गया है, काफ़ी लोग यहाँ अधिक मात्रा में आए हुए हैं और सहभोज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। मैं कृष्णा शर्मा, कैमरा मैन रोहित गुप्ता।